अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके भारत के प्रमुख स्थलों के उपनाम हम देखते हैं, उपनाम जो कहते हैं। तो गोल्डन सिटी हम किसे कहते हैं? अमृतसर को। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य मंदिर भी है, स्वर्ण मंदिर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्पेस सिटी, गार्डन सिटी, ये सब हम किसको कहते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को, ठीक है। झीलों का शहर कहते तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में नहीं चले जाएंगे, उदयपुर है झीलों का शहर राजस्थान में। जुड़वा शहर कौन कौन से हो जाते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। इस्पात नगरी भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर, टाटा नगर को, ठीक है। स्टील या इस्पात नगरी कहते हैं। मंदिरों का शहर हम किसे कह लेते हैं? वाराणसी को, अर्थात बनारस को। पर्वों का शहर, जहां पे खूब पर्व होते हैं, तो मदुरै में पर्व खूब मनाए जाते हैं, ठीक है। उल्लास का शहर या महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। उल्लास या महलों का शहर कोलकाता। चूंकि देखिए दक्षिण भारत, सॉरी पूर्वी भारत में कोलकाता वाले क्षेत्र में पहले अंग्रेज आते हैं, तो बहुत सारी चीजें वहां शुरू हुई थी, है ना। नवाबों का शहर तो जानते ही हैं, लखनऊ। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। अगर उत्तरी भारत का कह ले तो कानपुर, ठीक है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो कोयम्बटूर, याद रखेंगे। ओवरऑल भारत का अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, ठीक है ना। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, बन रहे हैं लगातार, ठीक है ना, और आगे भी बनते रहेंगे। तो अल्पुझा, ठीक है, पूर्व का वेनिस। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया या भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को। दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछ लेगा, गेटवे ऑफ इंडिया पूछता है कहाँ है, तो मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में। पृथ्वी का स्वर्ग हम किसे कहते हैं? जम्मू एवं कश्मीर, भारत का नहीं बोला, यहां ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का स्वर्ग, उसके आगे क्या स्विट्जरलैंड वगैरह है, तो पृथ्वी का स्वर्ग है। हाँ, विश्व में भी जम्मू कश्मीर ही है पृथ्वी का स्वर्ग, तो भारत पूरे दुनिया का ही है, तो पूरे पृथ्वी का ही है, तो भारत का भी है। स्विट्जरलैंड भी बढ़िया शहर है, लेकिन आमतौर पे पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर है। तो मतलब ये समझिए कि कहीं ना कहीं अब वायलेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो काफी ज्यादा जो है, जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड वगैरह में काफी टूरिज्म जो है काफी है, जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगा, बढ़ ही रहा है, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, है ना। थोड़ा वहाँ जो है आतंकवाद इत्यादि की घटनाएं होती थी, तो थोड़ा सा डर था ज्यादा, लेकिन है पृथ्वी का स्वर्ग। मिनी स्विट्जरलैंड किसे कह लिया जाता है? खजियार को, यानी हिमाचल प्रदेश को मिनी स्विट्जरलैंड कह दिया जाता है। खजियार जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश में। छोटा कश्मीर किसे कहते हैं? पिथौरागढ़ को, उत्तराखंड। छोटा कश्मीर, पिथौरागढ़, ठीक है, ये सुनते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट। छोटा लहासा बहुत बार पूछा है, यहाँ क्रिकेट मैच खूब होता है। छोटा लहासा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, छोटा लहासा। उसके उपरांत दक्कन की रानी किसे कहते हैं? पुणे को। दक्कन के पठार में पुणे जो है वो दक्कन की रानी है। अरब सागर की रानी हम किसे कहते हैं? कोच्चि को। दक्षिण गंगा हम किसे कहते हैं? गोदावरी को। वृद्ध गंगा भी हम किसे कहते हैं? गोदावरी को। पांच नदियों का राज्य हम किसे कहते हैं? पंजाब को। भारत का नियाग्रा है। अब देखो, चलो ये सब पता था, कुछ ऐसी चीजें हो सकता है शायद आप बोल रहे हो या रिवीजन ही करना हो। तो नियाग्रा प्रपात चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को, ठीक है ना। और वही नेपाल का शोक किसे कहते हैं? काली नदी को, शारदा। नीली पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियों में ही है दक्षिण भारत की,